सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के गाइडेंस फॉर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट आपकी वेबसाइट पर, यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर एक इन्फॉर्मेशन आ रखी है जिसके अंदर आपका मेंशन है गाइडेंस फॉर एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइडेंस बता रखा है कि किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ज्वाइन करना होगा और किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन वगैरह कराना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन अब आपकी वेबसाइट पर आ चुकी है आपकी एक PDF में। उसको मैं वन बाय वन करके आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम को भी ज्वाइन करोगे ना तो वहां पे आप कोई भी मिस्टेक वगैरह ना करो। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सही तरीके से मैं आपको सारी चीजें बता सकूं। 7 पेज की PDF है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इन्हीं सारी चीजों की वजह से आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे तभी तो वो सक्सेसफुल होगा ना। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं सही तरीके से आपको वन बाय वन करके जितना भी आपका गाइडेंस आ रखा है ना, गाइडेंस की PDF में जो भी चीज़ें मेंशन है, किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, एग्ज़ाम किस तरीके से सबमिट करना है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप देख सकते हो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे। जैसे स्टूडेंट आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद, यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, देखिए ये थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्लास 10th की मैथ्स साइंस और साथ में रीजनिंग की प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके पास आ चुका है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक आउट करने के बाद दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अब जैसे स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या मेंशन है, इन्होंने मेंशन कर रखा है गाइडेंस फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप क्लिक करोगे, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये रूल एंड रेगुलेशन के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसके अंदर इस वाली PDF को भी हम डिस्क्राइब कर देंगे। अभी हम बात करते हैं गाइडेंस के बारे में, जो भी आपका गाइडेंस दे रखा है ना कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के लिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये PDF ओपन हो चुकी है। अब देखिए इस यहाँ पे आपका क्या क्या डिस्कस है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है गाइडेंस फॉर कॉमन यानी कि CET, यानी कि CET का मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इन्होंने स्टेप नंबर वन में क्या बोला है, देखिए इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपको दे रखा है ना यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप क्लिक करेंगे अपने क्रोम ब्राउजर में इसको, तो क्रोम ब्राउजर में इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर क्लिकिंग द लिंक यू विल बी रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से आपके पास ये लॉगिन पेज आ जाएगा। अब इस लॉगिन पेज में जैसा कि आपको देख रहे हैं यूज़र नेम यानी कि आपको यहाँ पे यूज़र ID डालना है और पासवर्ड डालना है। जैसे आप इसको एंटर कर लेते हो तो आपको करना है साइन इन का जो बटन है ना उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन करा है कि नोट करके इन्होंने मेंशन किया है कि सिंगल लॉगिन, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉगिन ही होना चाहिए, यानी कि एक ही फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ यू हैव ऑलरेडी लॉगिन फ्रॉम अनदर डिवाइस दे लॉग आउट फ्रॉम दैट डिवाइस फर्स्ट एंड ट्राई टू लॉग इन फ्रॉम द करेंट डिवाइस। ये चीज़ आपको क्लियर है, आपको एक ही डिवाइस में लॉगिन रहना है। अगर आप एक और जैसे मान लीजिए आपने एक डिवाइस में लॉगिन कर रखा है, अब आप दूसरे डिवाइस में भी कर रहे हो तो नहीं होगा, आपका दोनों तरफ से लॉग आउट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एक ही डिवाइस में आपको लॉगिन रहना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे, राइट, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आप जैसे आ जाएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद अगर आपका मान लो दो डिवाइस में लॉगिन है, तो दो एक डिवाइस में अगर आपका लॉगिन है, दूसरे में अगर आप कर रहे हो तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा डिस्ट्रॉय प्रीवियस सेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे वहाँ से आपका लॉगआउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया है। अब आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे आप वहाँ पे साइन इन कर लोगे ना यानी कि ID पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, इन्होंने बोला है कि प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम आफ्टर लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद एंड ब्लो पेज देख सकते हो विल बी अपीयर ऑन योर स्क्रीन एज पर योर डेटा। अब इसको ध्यान से देखिएगा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक पोर्टल ओपन होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये इसके बाद आपका क्या मेंशन, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट अवेलेबल फॉर यानी कि एग्जाम टेस्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या मेंशन है। स्टेप नंबर 2 में मेंशन है आफ्टर सिलेक्टिंग योर सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद द बिलो पेज विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम टू चेक योर
फ़ोटो आइडेंटिटी, यहाँ पे देख सकते हो फोटो आइडेंटिटी एंड अलाउ यू टू एंटर, देख सकते हो यू टू एंटर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन द चेक ब्राउज़र, चेक कैमरा और ब्राउज़र बटन। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब जैसे आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हो, जैसे ये सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया, क्लिक कर लोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा। अब इस ऑप्शन को खुलने के बाद आपको करना क्या, देखिए ज़रा ध्यान से। इन्होंने बोला कि आप सभी का फ़ोटो जो है वो चेक होगा, मतलब फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन होगा, तो इसको आपको कराना होगा। ये कैसे होगा, आपको क्या करना है, चेक कैमरा एंड ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका मेंशन है चेक कैमरा एंड ब्राउज़र, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे स्टूडेंट आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद स्टेप नंबर 3 में क्या मेंशन है पढ़िए। इन्होंने बोला आफ्टर सक्सेसफुली चेकिंग योर डेस्कटॉप, यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर रखा है लैपटॉप मोबाइल कैमरा ब्राउज़र, यू विल बी फाइंड ऑल द 5 ऑप्शन इन बिलो, ठीक है, ये नीचे की तरफ हमें दे रखा है मार्क्ड राइट, यानी कि आपके पास ये जितने भी ऑप्शन, मतलब जब भी आप उसको वेरीफाई कर लोगे ना, तो इस तरीके से आपके पास ये मार्क्स इस तरीके से ग्रीन कलर का मार्क हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसा कि देख सकते हो। इन्होंने बोला कि इन केस एनी ऑप्शन, अगर किसी भी ऑप्शन पर क्रॉस लगा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ रीड द रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन पॉइंट, ठीक है, राइट एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड फॉलो द प्रोसीजर। आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वहाँ पे, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। फिर उन्होंने बोला है कि योर फोटो विल बी अपीयर इन द कैमरा बॉक्स, कैमरे बॉक्स पे आप सभी की फोटो आ जाएगी। इन्होंने बोला कि क्लिक ऑन द टेक फोटो बटन फॉर वेरीफिकेशन एंड डेट यू, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है डेट विल allow you to proceed for the exam। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका वेरीफिकेशन इस तरीके से टिक आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा टेक कैमरा का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा टेक कैमरा पे। जैसे आप टेक कैमरा पे क्लिक करोगे, जब ये पूरा सही तरीके से ग्रीन हो जाएगा ना पाँचों का पाँचों, तो आपको टेक कैमरा पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये कैमरा ओपन हो जाएगा और आपका फेस आइडेंटिफाई करेगा कि जो आपने फ़ोटो एडमिट कार्ड में दी थी, क्या वही फ़ोटो यहाँ पे आ रही है, यानी कि आपका चेहरा मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि एडमिट कार्ड में आप सब क्या करोगे, चेंज कर लोगे, बताया था ना मैंने एप्लीकेशन कार्ड में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो था उसमें आपको नई फ़ोटो लगा लेनी है, तो फिर ये आपका वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करना होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए नीचे तरफ आप जैसे आएंगे, तो इन्होंने बोला, देखिए इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है, प्लीज़ नोट डैट अपलोडिंग फ़ोटो मे टेक सम टाइम, ठीक है, यानी कि अपलोड करने में कुछ टाइम ले सकता है एज़ पर इंटरनेट कनेक्शन और स्पीड। इन्होंने मेंशन किया कि प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश और मूव आउट फ्रॉम द स्क्रीन अनटिल गेट 100% कंप्लीट, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता आपको अपने स्क्रीन के सामने से नहीं हटना है। स्टेप नंबर 4 देखिए क्या मेंशन है, स्टेप नंबर 4 में मेंशन कर रखा है ऑल एग्जामिनेशन विल बी स्टार्ट एज पर मेंशन इन नोटिस, यानी कि जो भी आपका नोटिस आ रखा था उसमें जो मेंशन था उसी टाइम आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होगा। इन्होंने बोला कि क्लिक ऑन द स्टार्ट एग्जाम। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका कैमरा वेरीफिकेशन हो जाएगा, मतलब आपकी फ़ोटो वेरीफाई हो जाएगी, तो इन्होंने बोला क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एज पर द मेंशन इन द शेड्यूल्ड, और यहाँ पर मेंशन किया टाइम, यहाँ पर देखिए टाइम रिमेनिंग विल बी शो यू डेट बैलेंस ऑफ टाइम लेफ्ट टू कम्प्लीट द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपके पास आया, यहाँ पे आपको एक स्टार्ट का बटन दिखेगा, यानी कि स्टार्ट एग्जाम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे स्टूडेंट आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक आउट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक आउट करोगे तो आप सभी का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एग्जाम का इंस्ट्रक्शन लिखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, राइट, और आपके सामने यहाँ पे टाइम वगैरह भी मेंशन होता रहेगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 5 में क्या मेंशन है, स्टेप नंबर 5 में मेंशन किया है कि द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ऑटो लोडेड, यानी कि जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ऑटो, यानी कि खुद ही आएंगे वो, प्लीज़ वेट फॉर द क्वेश्चन टू अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन अपीयर होने के लिए या आपको थोड़ा वेट करना होगा, खुद ही अपीयर होते रहेंगे आपके क्वेश्चन, और यहाँ पे टाइम वगैरह भी चलता रहेगा टॉप पे। जैसे देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे हैं और आपके टाइम्स वगैरह जो है ना, टाइम वगैरह यहाँ पे आपका शो होता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, टाइम वगैरह ये टॉप पर शो होता रहेगा जो भी आपका टाइमिंग वगैरह होगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद स्टेप नंबर सिक्स में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि क्लिक ऑन द आंसर एज पर योर चॉइस। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, इन चार में से जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, जो भी आंसर आपका ठीक होगा सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे जो आपका दे रखा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आने, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 7 दे रखा है, इन्होंने बोला है कि यू कैन गो बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन बाय क्लिकिंग द प्रीवियस बटन। आपको क्या करना है, जैसे पीछे
पीछे वाले क्वेश्चन पे जाना है तो प्रीव्यू का बटन होगा, आप वहाँ से पीछे वाले पेज पे जा सकते हो। वंस यू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, जब आप पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे बोला है, उसके बाद इन्होंने बोला है क्लिक द सेव एंड फिनिश। जब आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ना, जब सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे आप, या फिर जो आपसे नहीं हो रहा आपने छोड़ भी दिया मान लीजिए, फिर जैसे आप इस सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको करना होगा सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक। ये यहाँ पे मेंशन करा गया जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सबमिट द पेपर, फिर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद स्टेप नंबर एट पे क्या मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन किया है टू नेविगेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर पैनल। आपको क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है या 5 पे जाना है, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना, आप वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको सब कुछ शो हो रहा होगा। टू गे देखो, जैसे कि मान लो आपको 8वें क्वेश्चन पे जाना है तो 8वें क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और आपको वही क्वेश्चन दिखने लग जाएगा। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आगे देखिए 9th नंबर पे क्या मेंशन है, तो 9th नंबर पे मेंशन कर रखा है कि वंस यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस क्लिक द सेव एंड फिनिश द सब्जेक्ट। जब आप सभी के आंसर दे दोगे तो आपको क्या करना है, सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है उसके बाद, देन यू प्रमोट यू रिकन्फर्म, यहाँ पे देख सकते हो बिफोर सबमिशन, यहाँ पे एक बार और कन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ से यस कर देना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे 10वें पे क्या मेंशन है, तो 10वें पे दे रखा है स्टेप नंबर पे कि आफ्टर सबमिटिंग द पेपर, पेपर को सबमिट करने के बाद द, यहाँ पे देख सकते हो यानी द सिस्टम विल बी रीडायरेक्ट यू टू होम पेज। जैसे आप ये सब सबमिट कर दोगे तो आपका जो सिस्टम है खुद ही कहाँ पे आ जाएगा, होम स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर इन्होंने बोला है कि टू लॉग आउट क्लिक द हाईलाइट आइकन, यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद ये आपका पूरा प्रोसीजर लास्ट है, देखो कंप्लीट हो गया है। बस आपको यही सारी प्रोसेस करना है, यहाँ पे आप जैसे करोगे तो आप यहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था, मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इतनी चीज़ तो आपको क्लियर है किस तरीके से आपको क्या चीज़ें करनी थी, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार आपको अच्छे तरीके से। तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद उसके अंदर आपको यूज़र नेम लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा, उस यूज़र नेम को और पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको करना है कि यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करोगे तो आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद मान लीजिए अगर आपके पास इस तरीके से शो होता है यानी कि लॉगिन नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं और भी लॉगिन कर रखा होगा। तो अगर आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, उस डिवाइस से लॉग आउट होगा और आपके पास लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं, जैसे आप क्लिक आउट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास अगला इस तरीके से पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे आपको करना है चेक कैमरा और ब्राउजर, आपका ब्राउजर और कैमरा चेक होगा। फिर आपको यहाँ पे जैसी जो आपका ब्राउजर चेक होगा तो इस तरीके से पांचों पे टिक आ जाएगा। फिर ये टिक आने के बाद यहाँ से आपको यानी कि फोटो भी वेरीफाई कराना है, तो यहाँ पे आप टेक फोटो पे क्लिक करोगे, टेक फोटो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका फोटो जो एडमिट कार्ड से मैच करेगा। फिर अगर आपका फोटो बिल्कुल सही निकलेगा तो इसको राइट हो जाएगा ये। फिर राइट होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, फिर नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। जब वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो स्टार्ट एग्जाम पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम इस तरीके से लोड होने लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपका, यहाँ पे लोड हो जाएगा। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस वगैरह आने लग जाएंगे आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन सही लगे वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आगे करना है सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे। फिर मान लो अगर आपको पीछे किसी क्वेश्चन पे जाना है तो आप जा सकते हो प्रीव्यू वाला बटन दबा के, ठीक है, पीछे की तरफ बैक हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन पे डायरेक्टली जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपको 8वें क्वेश्चन पे जाना है तो 8वें पे क्लिक करो, डायरेक्टली 8वें पे पहुँच जाओगे, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगला अगर आप देखोगे तो इन्होंने मेंशन किया है कि जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए तो आप क्या कर दोगे, सेव एंड फिनिश कर दोगे। जैसे आप करोगे तो दोबारा से आपके पास यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो इस वाले पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे स्टैंड आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे होम पे आपका आ जाएगा डायरेक्टली, आपको यहाँ से इस वाले पे दबा लेना है, ये आपका पूरा लॉगआउट वगैरह हो जाएगा और आपका पूरा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आप सभी को करना होगा। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया किस तरीके से आपका सारा प्रोसेस होने वाला है। तो यही सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पर आ रखी थी, मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा और यहाँ पे सिलेबस वगैरह क्या है, तो इन सभी की वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेकआउट करें। चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।